हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग्स में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे। गाइज, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज सुबह से इतना भयंकर कोहरा लगा था कि समझ लो कि कुछ दिख नहीं रहा था आगे का। अभी तो काफी ठीक है, बाहर चल के दिखाते हैं आपको। देखिए गाइज, हम छत पे आ गए थे, कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो गांव में एक ही दो मकान दिख रहा है। ऐसी ठंड में इन्हें भी नहा लो, क्या बात है। देखो भगवान जी की सेवा के लाने ये जल भर भी खिलाने गई थी। ठंड नहीं लग रही? इतनी नहीं लग रही। सूटर पहन लो, पूजा का है ना। अच्छा, वाह। अबे कोहरा थोड़ा थोड़ा छटक जा रहा। अब तो निकल गया धूप तो रहा आधा घंटा। चलो सही है, कर ले पूजा। गाइज नहाया है और देखो बढ़िया सी धूप भी निकल आई। अंदाज तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरा दिन निकलेगी नहीं धूप, लेकिन निकल आई है। तो हमने सोचा कि चलो नहा लें, और जो तक नहाया तब तक बढ़िया सी धूप ही निकल आई। धूप में खड़े हो गए। तो गाइज निधि लेके आ रही है खाना हमारे लिए। वाह, कितनी कितनी सेवा कर रही है हमारी। सब्जी दो 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 में काय को रख लिया। अच्छा, दो सब्जी बनाई। हाँ, वो पहले आलू टमाटर की बना ले। प्याज के सेव टमाटर बनाओ माँ जी। अच्छा, हाँ उसका दो बना ले। हम जान रहे हैं कि तुम एक ही सब्जी दो खंड में रख ले हैं कि दो दो बार ना जाने या पार्स में। नहीं, अलग अलग है ले। अच्छा, मिक्स भाई जात बे हो जान दो तो पेट में जाके मिक्स होने। खा लेते खाना फिर। अरे यार ठंड लग रही यार भाई साहब। ठीक है, जब जब तुम खाओगे खाना फिर तुम्हें ठंड लगेगी, फिर तुमको पता चलेगा। वो तो कितना रख रहे हो इतनी बड़ी थाली। जी ना, फिर खा लो जैसे भी खाने हैं। आलू टमाटर हैं, एस की सब्जी बनी हुई है, सेव टमाटर, गरम गरम रोटी हैं। चलो करते हैं अपना खाना स्टार्ट। देखो खाना भी लगा लिया है ये डिब्बा में। की खिलाना है? पापा के लाना है। हाँ। अच्छा दिया। चलो तो हम जाते हैं, लाइएगा। थैंक यू। तुम जीना पे बैठ के खाना खा रहे हैं? सो तुम तो छोटी सी थाली में खा रहे। छोटी में? अच्छा, तो ऐसे ही तो हम लाए थे छोटी सी। तुम तो इतनी बड़ी में। बड़ी लाए थे? सही बताओ। सही, सही बात है। किसी को डांटे में तो तुम पहले नंबर हो। तुम कितने ऊंचे बैठे थे? हाँ तो हम धूप में बैठे थे ना। अब चलो सही है, खा लो। अब कुछ कह नहीं रहा तुमसे, खाना खा लो। फिर कह रहे ठीक है। फिर बता रहे नहीं, खाना खा लो पहले। नहीं नहीं, खाना खा लो। आज दोस्तों जल्दी आ गए हम बाड़ी में, और इसलिए आ गए कि पापा लगाए हैं खेत में पानी, तो वे भर रहे हैं गेहूँ। और हम लोग आ गए बाड़ी में, तो आज हम लोगों ने करने पूरा काम। तो देखो निधि काट रही हैं बाजरा। ज़्यादा ऊपर 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 ना काटियो, इतने नीचे तो काट रहा है। और ज़्यादा नीचे भी ना काटियो, ना तो फिर पापा गुस्सा होते ही। नाप के काटे? नहीं नाप के नहीं, नहीं देखो चार अंगुल ऊपर काट है। अच्छा नहीं, इतना भी नहीं, मतलब देख के ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे। हमें ना सिखा, ठीक है। अच्छा, हमें पहले सिखा रहा तो मम्मी पापा ने। कौन मम्मी पापा ने? इतने की? क्यों तुम्हारे मम्मी पापा? अच्छा, इतने की मम्मी पापा ने सिखा रहा तो इतनो काटो करी। इतनो काटेंगे? अच्छा चलो सही है भैया, तो काट लियो। तो मैं नहीं सिखा, तुम नहीं जाना काट के बाजरा। हम ऐसा काट देंगे, तुम कहो नहीं कटवाओ हमसे। तो अब सब जने गए, मतलब सब जने, आप ही सब जने बताई गयो कि आपने कभी ने बाजरा काटा? देखो पिसी के अलावा और मूंग जे तो काट ले, लेकिन जे जो नहीं काट पाओ कभी भी नहीं काटा। तो गाइस ये बात सही है, निधि ठीक कह रही है। हम ना जी बाजरा काट पात और ना बरसीन भी नहीं काट पात, क्योंकि हम अगर काट भी की ट्राई करत काटत हैं तो हम पे पटत है नीचे से, मतलब जमीन से पूरा पेड़ो खड़े आउ। पिसी तो वो सूख जाते, तो पिसी की बात अलग है, लेकिन ई में गाइज पेड़ समेत पटत ई वजह से हम नहीं काट पाते, काटते ही नहीं है हम। हाँ। जब नुकसान हुई है तो कहाँ काटे फिर? हम तो बस थोड़ा सा जाना था सो सिखा रहे। चलो तो जल्दी जल्दी काट लियो, क्योंकि देखो भैंसे भी इधर ही देख रही हुई हैं कि कब आ जाए भाई माल पानी और खाएं पिए ऐस करें। जब तक निधि बाजरा काट रही है तब तक हमने सोचा क्यों ना हम भूसा डाल लें भैंसन को, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो भूसा डाल लें और जो खरी ले आए हैं खरी से भिजा भी दें। जोनों तक निधि काटे नहीं बाजरा, सो बस कटिया करवा के और सीधा बस मिला दें, जल्दी भैंसन को सानी बन जाएगी। तो चलो पहले भूसा डाल देते हैं। देखो भूसा तो भींज गया है, खरी भी मिला दी हमने,
अब बांट तो डालें बाद में, पहले इनमें मिलाने हैं कटिया। सुनिधि आ गई हैं, बाजरा काट के कटिया करवा दें, गोबर इकट्ठो करने लगे। देख ले तो हाँ यार सही करें, अब एक सानी को टाइम हो रहा है, उसी वजह से गोल गोल चक्कर लगा रही। देख लो सीधी खड़ी रहो, 5 मिनट को इंतजार और कर लो, खड़ी ना रहो ऐसे ही। देखो जे भी आ गए, भाई साहब दादा के संग हेल्प करवा रहे थे। देखो जीन्स भी भिंजा के आ गए, शर्ट भी इनकी भींज गई, का पानी भरवा रहे थे तुम संगे। हाँ। वाह क्या बात है, तुम्हारा तो काम ही अलग है। चलो इन्हें बाजरा काट लो, अभी कटिया करवा दें जल्दी से, वो मशीन भाएगी निधि है। हाँ, तो सानी बना दी ना? सानी बना दी नहीं, हमने भूसा भेजा था वकील होगा, अब बस जो कटिया हो जाए उसको डालना है और फिर फ्री। हम नहीं, अब तुम का परेशान हो, चलो आ जाओ, हम हमारे तुम लगा दो। देखो पापा मैं कर रहा है कटिया, रुक जा इन बजे कट गई, थोड़ी पहचान कर बिल्ला में चप गई का? बिल्ला में चप गई, वह तो कटाई गई, खून निकल रहा हूँ। तो दिखा तो मैं देख लाऊं, दिखा मैं देखूं। रज्जू मारी कट लग गई, तुम्हें कैसे बता दे। अरे तो दिखाने तो आज, अभी तो कपड़ा बांधे यार, ऐसे बंद करिए, ऐसे हो रहा होगा खून बंद। कट गई के चप गई? ये बात तो कट गई है, मैं लगा के तो इतने में काय को भीतर। हाँ चला, कोई समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा जब मैं देख रहा तो छोड़ देती। हमने कही कितना को जो ने कही रोजी ना, मैं वो गवा पूरा डाल तो की खुला था खो, पूरा देवी की जरूरत है। दिखा दिखाते दिखा दो कि कट गई घल जाएगी उल्टी हाथ को पागल बना। उ कट गई है लेकिन, हाँ कट गई है, चप तो गई है तेरी। देखो लेकिन काय में चप गई थी? बिल्ला में। बिल्ला तो इतना लगाने हो, चल वो फेंस के उनको दे दे। लादा का सर इतना को ढकेल ले, सो ई में जेन दत दो दत गन्ना तो चाप ही लई थी। मां जी तो खूब अच्छा मजाक कहती, मजाक नहीं है, मजाक को सांसा होगा वो खींच के डाल दो लादा। चलो जल्दी भाई के लिए आओ, कटिया भैंसन में मिला दें हम। गाइस सानी बन गई है, भैंसन को भी बांध दो, बढ़िया खा रही है। और इधर देखो निधि जने अब क्या कर रहे हैं, इनकी उंगली कट गई बेचारी निधि की, तो बच गई। अब हाल काम को कहे तो। हाँ यार जी बात तो सही है, तुम तो इनकी भाग से हम बच गई, नहीं तो खुद अपने हाथन ठोकने खाने आती जब तक मम्मी ना आती। हाँ तो वो बिल्ला में चप गई थी, चप गई थी वो, बच गई। अच्छा सही है, चली आती ना तो तुम सांसों काटे। अच्छा तो गाइस हम दिखा रहे हैं कि इनकी उंगली कितने चप गई थी, देखा हम बता रहे हैं आपको, फरसा के नीचे आ जाती तो कट ही जाती जी। बिलना लगे जू ई के बीच में चप गई हुई है, हालांकि में उंगली जाए के लाने गैप तो इतना है जब के चारों लगो तो। हाँ वही तो, सुबह ऊपर रहते थे। नहीं नहीं तो वही तो बता रहे हैं हम के बेसी तो उंगली जाए के लाने गैप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, चापत नहीं है। बाकी जब चारों रखो रात हरियाई जो है तो इतनी नीचे रखी रात उत्ती ऊपर, तो फिर ऊ के बीच में जब चलतना उंगली अपनी तो बहुत ज्यादा फिर जी दतगुन की वजह से चप जाती। तो इतने तक तुम्हें ले जावे की का आवश्यकता होती हमें जो बताओ। अरे यार जैसे लास्ट को जितनों भी बचत ठीक है, तो लास्ट को पूरा हम लाधा को खींच के डाल दी। अरे तो भी कोई भी हो मैं, लेकिन जब भी पकड़ पकड़ जाता ना तो फिर थोड़ी ना भी तो आगे खींच के ले जाते नहीं, जैसे हरियाई खिंचत तो बड़े रिस्क के काम रहा ठीक है। इसलिए भैया हम कद जी जानत के थोड़ा सा अगर बचो रह रहो तो गंजन को डाल दो या कोई को भी डाल दो ठीक है, लेकिन इतना अंधर में हाथ नहीं ले जाओ के हाथ जी ऐसे ही तो एक बार ही में रख के पतो का होगा तो मम्मी को फोन कट गो तो है ठीक है। मम्मी ने नव फोन लाओ तो सैमसंग को, तो कीपैड फोन हतो तो उनने जो भी जैसे भी कछु पहुंच गए होवे चाई में रखे होवे में जो भी कछु होयो बस ऊपर से उनने गवा लगा दो जाके सीधे 2 घंटा हो गए थे। मम्मी रखे थी इते दुकान। अच्छा और हम और पापा आए, तुमने काटो तो हमने गवा लगा, हमें देखो नहीं है वो अंधेरो सो तो ना, और पापा चलाने लगे मशीन और हमने गवा लगा दो कट गो। हम मशीन चलाए थे पापा ने गवा लगा दो। अच्छा और फिर जब वो कटो सो जब हमें पता चलो सोने से दो पला हो गए कट के। वही तो बड़ी रिस्क का काम है, चलिएगा तो बड़ी सोच समझदारी से करना भैया काम। राधा को पोसा नहीं डालो तो
डाल दो, खा लो। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी गाइज पूरा काम यहाँ का तो वैसे हो गया है हमारे ख्याल से, बस केवल अच्छा तुम्हारा रह गया है अभी। तो अभी गाइज केवल निधि को काम रहेगा, बस ये गोबर डालो जो सामने, बस ये गोबर फेंकना है और बाकी पूरा काम हो गया है। फिर शाम को पापा लगा लेंगे भैंस, निधि घर चली जाएंगी, हम इनको ये सानी खा लें तो हम छोड़ के और पानी पिलवा देना। भैंसन को पानी भी पिलवा दो हमने और बाहर बांध भी दें, बकरियन को भी अंदर बांध दो क्योंकि शाम भी हो गई है तो ठंड हो गई थोड़ी थोड़ी, इसलिए हमने अंदर बांध दो, गेट बंद कर दें। बाकी देखो हमारे पांडे जी बिल्कुल इंतज़ार में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि बस तुम हमें छोड़ दो तो हम दूध पी लें अपनी मम्मी का है। देखो देखो रुक जा भैया, अब थोड़ा टाइम और हो जाए, पापा बस आती ही होंगी मोटर बंद करके, सो बस भैंस लगवा लें तो इसके बाद फिर घर निकलते हैं। निधि और एस तो पहले निकल गए, देखो एस की चल रही है पढ़ाई और निधि की चल रही है अंदर संजय, देखिएगा।